पीबीसी की खबर का हुआ असर, पुलिस ने किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश। आपको बता दें जो पीबीसी ने न्यूज प्रमुखता से दिखाई थी उस खबर का असर हुआ है। शिवपुरी खनिया थाना के ग्राम नदनबारा में कुएं में पड़ी मिली थी क्षत विक्षत लाश, जिसमें खनिया थाना प्रभारी आलोक सिंह भदौरिया के द्वारा 9 दिन में ही किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश, जिसमें गांव के ही 2 युवक थे शामिल जिन्होंने कत्ल को दिया था अंजाम। मृतक के पास से ही खेत के दोनों युवक पी रहे थे शराब और कर रहे थे गाली गलौज। जैसे ही मृतक ने उनसे बात की तो वह शराब के नशे में गाली गलौज करने लगे और लाठी एवं पत्थर से कुचलकर कुएं में फेंक दिया था मृतक को। पुलिस ने सूचना पर की पूछताछ और किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश। अभी दिनांक 24-25 तारीख की रात में ग्राम नंदनवारा में एक बाबूलाल जाटव की लाश कुएं में मिली थी। सुबह जब सूचना मिली थी पुलिस मौके पर पहुंची थी। उसकी साले जो यहाँ पे अपने ससुराल में रहता था ये बाबूलाल लगभग 30 साल से, उनके सालों में रिपोर्ट लिखाई थी लेकिन किसी का संदेह में नाम नहीं आ पाया था। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था। अभी कल उस अपराध को ट्रेस किया है और उसमें नंदनवारा के एक लालू उर्फ भूपेंद्र चौहान और रानू रजक, ये 2 लोग आरोपी पाए गए हैं जिन्होंने मर्डर किया था। उनसे पूछताछ में उन्होंने बताया था कि उस दिन बाबूलाल रजक करण सिंह चौहान के खेत में बैठ के शराब पी रहा था। ये लोग वहाँ से निकले थे, उस समय वो गाली गलौज कर रहा था और इन लोगों को भी गालियाँ देने लगा था। तो उसी समय आवेश में आकर इन लोगों ने वहाँ मौके पर पड़े पत्थर से और साथ मिली लाठी से उस पर वार किया, जिससे कि उसकी मौके पर मौत हो गई थी और लाश को छुपाने के लिए पास के जरिया वाले कुएं में फेंक दिया। तो सर अभी मुलजिम को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया? हाँ, बस मुलजिम कोर्ट जा रहे हैं, अभी पेश होने जा रहे हैं और आज जेआर पे पेश किया जा रहा है। आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।